ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। खाली अगर आप देखते सुनते रहो तो आपका संबंध का माँ को बच्चे याद जरूर आएंगे, पति जरूर याद आएगा, नहीं आना चाहिए आना चाहिए, डॉक्टर को पेशेंट याद आना चाहिए, उसको दवाई दिया था वो ठीक हुआ कि नहीं, दूसरों दवाई देना चाहिए उसको याद आना चाहिए, उसका धर्म कर्म है, नहीं वो ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ माता जी क्या बोल रहे हैं? हाँ इसलिए जिसने किया है तो निश्चिंत है, खाना बना के सबको बता के आ गए तो निश्चिंत है, नहीं नहीं तो यहाँ बैठे रहे, 8 बज गए आते होंगे, कोई याद करते होंगे, चिंता लगी रहती है। अच्छा हाँ ये तैयारी करके जो आते हैं, नंबर 1 घर में पति बच्चे कोई मन उनके चाय बना के रखा, उनके सब बना के बता करके आएंगे तो यहाँ निश्चिंत। हाँ तो चिंता खींचता नहीं संसार, नहीं तो यहाँ बैठने के बाद अगर वो कुछ नहीं किया तो वो संसार खींचता, तब कहते ध्यान नहीं लगता है, याद नहीं रहता है, कारण हम अपना कर्म छोड़ के आए, उसको कहा कर्म भ्रष्ट। आपका जो कर्म और धर्म है वो पहले करना है, उसकी व्यवस्था करके आओ, अगर वो व्यवस्था पूरी नहीं किया जरूर यहां बैठे हुए आपको संसार खींचेगा, इधर का रहता है। यस तो इसलिए कहा तो ये व्यवस्था करके आना है, तो कोई याद नहीं है, है ना, ऐसा करते हो ना। हाँ तो ऐसे आपने सभी को सिखाना चाहिए।